गुड मॉर्निंग गाइस। सो एज यू कैन सी आज का वेदर कितना प्यारा है और आज का ब्लॉग मैं आपको ये व्यू दिखा के स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग विच इज मीनू कन्याल्स ब्लॉग। मीनू कन्याल के ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपने सुबह के 10 बजे से। और गाइज हम लोग आज जाने वाले हैं सिमार, मैं आपको सिमार दिखाऊंगा। और हम लोग जाने वाले हैं ऊपर जागर पे, वो भी दिखाऊंगा। वहाँ पे ना गंगनाथ की जागर है, जितने पहाड़ी लोग हैं उनको तो पता होगा। तो मैं आज आपको अपने ब्लॉग में सब जगह घुमाने वाला हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह पर सब जगह। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अरे तो छाया तो नीचे है ना, मैंने बोला जहाँ छाया होगी कहाँ बैठे हम हाँ ये देखो हमारे रास्ते, देखो कैसे रास्ते दिख भी रहे पैर रखने के लिए नीचे जगह। से आना पता चले मैं व्लॉग बनाते बनाते नीचे फिसल पट्टी की तरफ फिसलते जाऊं। ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे रास्ते में प्यारे प्यारे से फ्लावर्स भी लगे रहते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे बैठे हम यहाँ पे अभी बैठे थे और उसके बाद हम यहाँ पे पानी पीने आए, हमें प्यास लग रही है। और यहाँ पे यहाँ का जो पानी है ना गाइस ये चलता रहता है, ये एनी टाइम चलता रहता है और ये बहुत टेस्टी पानी भी होता है। देखो ऐसा होता है, ये पेड़ों की जड़ों से आता है और यही पानी दिल्ली में ना 200 रुपये की एक बोतल बिकती है। अब तो ले लिया मैंने, अब तो आ गई। ये कोमल पी रही है पानी, मैं पानी पी चुका हूँ। पानी मैंने पिया है, अभी देखो मैंने आपको दिखाया ना उस जगह पे इतना सारा पुदीना होता है। आपको मार्केट से हम जब खरीदते हैं वहाँ पे कितना पुदीना मिलता है, यहाँ पे एक का पुदीना होता है। आप ऐसे लगा रहेगा आपको कभी भी कितना भी चाहिए आप इतना भी पुदीना ले जाना चाहेंगे वहाँ पे, मतलब हम ले जा सकते हैं। आप देख सकते हो पहाड़ के नज़ारे ले सकते हो। जब मेरे पास गाइस अच्छा वाला कैमरा आएगा ना तो आप देख सकते हो, ये जैसा फ़ोन पे दिख रहा है ना ये ऐसा ग्रीन नहीं है, ये बहुत प्यारा वाला ग्रीन है कलर। बट मेरा फ़ोन क्या करूँ इतना अच्छा नहीं दिखा सकता अभी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर है। यहाँ पे ना गाइज रोज मॉर्निंग में मतलब 4 AM से ना यहाँ से यहाँ पे ना वो स्टार्ट हो जाती है, क्या बोलते हैं उसे, क्या स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, एक घंटे का क्या चलता है, दोहे, कबीर के दोहे ना, हाँ एक एक घंटे के लिए कबीर के दोहे चलते हैं इस मंदिर पे। और वो सुन के इतना अच्छा लगता है ना, मतलब बहुत तसल्ली सुकून मिलता है, सुकून छूटा है ना। देखो आप तो क्या ही छुपाएगी, तो कितने बार तो आ गई मेरे वीडियो पे। ये कल से मेरे कैमरे से छुप रही है, कल से मेरे कैमरे से छुप रही है, ये पता नहीं क्यों छुप रही है। और यहाँ पे मैं अपने बैठने का बंदोबस्त कर रहा हूँ ताकि कपड़े खराब ना हो, कुछ मिल जाए ऐसे बैठने के लिए। और फिर यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने बातें करी बहुत सारी, क्योंकि हम लोग करते हैं हमेशा। और फिर हम लोगों ने मस्ती करी, मैंने इन दोनों को बोला तुम भी ऐसे ऐसे करो, हाथ को लेफ्ट एंड राइट में मूव करो। ये देखो मैं तो मस्ती, मतलब मैं तो कुछ भी पागलपंती करता हूँ, साथ में लोग जो होते हैं उनसे भी करवाती हूँ। और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को फूलों से सजा रहे हैं, जितने भी आसपास में जो भी फूल हमें मिल रहे थे हम उसे इयर रिंग और ये सारी चीज़ें ऐसे सज रहे थे। फिर आए छोटे छोटे बच्चे, ये आया पीयूष और एक छोटा सा बच्चा और दीक्षा का भाई। तो गाइस आज मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाने जा रहा हूँ जो कि जब किसी का हाथ कटता है, यहाँ पे पहाड़ों में जब चोट लगती है ना तो एकदम से तो डॉक्टर के पास भागते नहीं हम, मतलब शहरों में तो ऐसा होता है कि हम मतलब कुछ भी और लगती है चोट वोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो पहाड़ों में ऐसा इलाज है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसे बोलते हैं रामबाण इलाज। ये कैलाश भैया ने बताया है, तो मतलब पापा ने भी बताया था। तो ये देखो इसे बोलते हैं बासिंग के पौधे हैं ये। और इससे अगर आपका हाथ कट जाए, आपको चोट लगी हो ना, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मसलो हाथ में, ठीक है, अपने हथेली में से मसलो और फिर इसका जो रस है उसे अपनी चोट पे लगाओ और आपका चोट एकदम अच्छा हो जाएगा 2 दिन में। तो आपको आवाज़ें आ रही होंगी ना, कुछ बैकग्राउंड से वो इन छपरों की आ रही थी, ये जो छपरे लोग हैं ना, ये छपरे लोग इनकी आवाज़ें थी वो। अब देखो मुझे ऐसे में चढ़ना है, ऐसे में जाना है वो वहाँ पे वो लोग है ना वहाँ जाना है। तो अब हम लोग चलते हैं, ऐसे चलते हैं थोड़ा स्पीड में।
आप देख सकते हैं मैं ऐसे भी, मैं तो एक्सपर्ट हूँ यार, मैं पहाड़ में रहूँ ना रहूँ पर मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना मैं कितनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गया था छपरों के पास, पीछे से हल्ला करने वाले छपरे लगे हैं। तो गाइस मैं आपको एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ, चलो। संगीता रुक गई हूँ मैं बाज का पितलू माँ, कौन सा का और दूसरा कोई गाने का जल्दी से का, यही तो है और कोई गाने का यही है। अरे और कोई भी और कौन सा कोई सा जो तुम जो मेरे को सुना रही थी कल, मुझे को इतना बताए कोई कैसे तुझे से बिना लगाए कोई काजल की सिया। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मतलब नीचे तो वही पहना है पर ऊपर का चेंज कर लिया टॉप, और ये थोड़ा मोटा आ रहा है तो इससे थोड़ा कवर करेगा मेरे को, और वो मैं चेंज कर लिया थोड़ा पतला था। तब अब हम जाएंगे जागर में, अब मैं दिखाऊंगा आप लोग को जागर में। मौसम है सुहाना, मजा तो आता है तेरे को यहाँ, लेकिन यहाँ केवल 8-10 दिन बस अपना आया खाया पिया तो बाकी नहीं। मैं आपको दिखाऊँ, ये है हमारा घर है ना, ये हमारा घर, और वो है जहाँ में जाना है वो इस वाले घर के और ऊपर है, यहाँ से दिख नहीं रहा भी वो ऊपर पे एक और घर, यहाँ से नहीं दिख रहा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ पे हमें जाना है, वहाँ पे है पूजा जाकर और हम चले, ये चले हम अम्मा के घर। वो आ रहे हैं मम्मी लोग, ये है दीक्षा जो मुँह छुपाती रहती है, अभी थोड़ी सही बनी है ना इसलिए आ गई कैमरे में, नहीं तो बोलती मेरे को कैमरे में मतलब, ठीक है। ये कोमल फोन पे बात करती हुई, और ये है हमारे घर के ऊपर काउसन का मंदिर है, हाँ ये हमारे काउसन देवता का मंदिर है। हाँ हम चले, हाँ हमें वहाँ जाना है, देखो वहाँ से नहीं दिख रहा था ना उस टॉप पे जाना है हमने, अब मैं आप लोग को लेके चलूंगा उस घर पे, और मैं आपको सारी जाकर दिखाऊंगा तो सब, मतलब हमारे यहाँ पे भगवान पे तो देवता आते हैं, वो सारी चीज़ें तो नहीं दिखाऊंगा मैं, मतलब तो अभी वहाँ पे और तो गाना बजाना होता है, वो सारी चीज़ें आपको क्या मतलब। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मसूर की दाल, जिसने मसूर की दाल नहीं देखी होगी ना, जैसे मलका मसूर मतलब पिंक मसूर और मसूर जो होती है ना वो ये, और देखो फ्लावर्स कोमल बोल रही है। गाइस देखो आप, ये सबूत है मेरे सामने, कोमल ने खुद अपने मुंह से बोला है कि मेरे को धक्का मारो नीचे फेंक दे, अब अगर मैं इसे नीचे फेंकूंगा इसने मेरा नाम लिया तो मेरी गलत बात हो जाएगी। ये आई हमसे मिलने डेजी, डेजी ओली बब्बे, हां को चाहिए बब्बे को। गाइस ओरा घर, यहां हमें जाना है, हमारी डेस्टिनी में पहुंचने वाले हैं, और देखो यहां मेरे आने की खुशी में देखो कितने फूल फूल खिल रहे हैं, पूरे रास्ते में फूल खिल रहे हैं, ये देखो वाह, बाघ भी आता है कल हमारे घर पे, बाघ नहीं परसों परसों नरसों में हमारे घर में बाघ आया था, ये जंगल बहुत प्यारा है। हाँ ये बच्चा पलटन, अरे सुन सुन अभी मत तोड़, बोल क्यों शाम को नहीं तोड़ते, अभी नहीं अभी नहीं। वो रहा हमारा घर, हम वहां से आए गाइस, देखो ये हमारा घर है, हम यहाँ से ऐसे 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 नागिन की तरह बलखा गए। तो यहाँ मिले हम अम्मा से जिनके घर पे आज जाकर है। <laughs> <laughs>
और फिर हमें दिखे गोविंद बाबू, फिर हम उनके पास गए, उनसे मिले, उन्हें नमस्ते किया और हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं गोविंद बाबू से। और बाबू में मतलब गाड़ी में हमारे में दादाजी को कहते हैं बाबू, और फिर हमें मिले अन्नू बाबू, ये भी हमारे दादाजी हैं, देखो हमारे कितने यंग यंग दादाजी हैं। और फिर हम मिले अम्मा से मतलब दादी से, जो कि गोविंद बाबू की वाइफ हैं, और सबसे मिल के हमें बहुत अच्छा लगा। तो गाइस इसमें बन रही है सब्जी जो अभी हम लोग खाने वाले हैं। हमारे यहाँ पे पहाड़ों में ज़्यादातर जब कुकिंग होता है तो बॉयज़ करते हैं, मतलब सारे जेंट्स और बॉयज़ यही लोग कुकिंग करते हैं। लेडीज़ होती है उसे आटा गूंदने वाला काम या अंदर अंदर का काम करती है और सारा काम बॉयज़ करते हैं, देख सकते हो। बज रहे बीन बाजे, आप देख सकते हो आग जल रही है, पूजा हो रही है अभी, और ये पूजा चलने वाली है रात के 1-2 बजे तक, मे बी 1-2 बजे तक चले। मौसी बोले या अम्मा बोले, कंफ्यूज है। ये हमारी अम्मा मतलब दादी। तो गाइस देख सकते हैं हमारी दादी कितनी जवान है, ये हमारी दादी है लेकिन दादी बहुत जवान है। हाँ मतलब मौसी भी और दादी ये रही। दादी आपके दांत क्या है फिर, दांत तो क्यों नहीं आपके दांत हैं, वही तो बोले हो इतनी जवान दादी किसी की होती है क्या जब हमारी है। देखो बच्चे वहाँ पे चटाइयाँ बिछा रहे हैं सबके बैठने के लिए, और ये पूजा चलने वाली है मतलब 1-2 बजे तक तो चलेगी। और अभी आरती ली जा रही है, आप लाइट आई है गाइस, को मुझे बहुत रोने का मन कर रहा था, तो बहुत रो रही है बेचारी, बहुत दुखी है। तो गाइस आप इनको देख सकते हो, रो एक मिनट बोलो हां तू बोल मैं देखता हूं कैसे बोलती है। तो गाइस आप देख सकते हो ये कितना रो रही है, देखो ये खुशी के आंसू है गाइस, हम लोगों से मिलकर खुशी के आंसू है। वैसे वहां पे एक धुआं भी है जो हर एक दूसरे आंखों में। हां गाइस ये देखो चाची को देखिए, चाची की हंसी तो देखना, मैं बात कर रहा हूँ और चाची हंस रही है। चाची आप लोग क्या सुनिए आ रहे नहीं बोल रहे हो तो तेरे आंसू क्यों नहीं आ रहे? मेरे क्यों आएंगे? आपके खुशी के आंसू है, मेरे धुएं के आंसू है, धुएं के। अभी मुझे रील बनानी चाहिए थी गाइस, क्योंकि मैं रील अच्छे से बना लेता, अभी आंसू आ रहे हैं नेचुरल। हाँ वहाँ उस साइड पे धुआं बहुत ज्यादा लग रहा था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। आप हमेशा यही खाना बनाते हो? यहाँ पे बन रही है चूल्हे में गर्मा गर्म रोटियाँ और फिर बनेगी पूड़ियाँ, ये देखो अलग। नहीं ये पहले से बेला है मैंने, अभी चल तेरे को बेलना आता है। दीदी रोटी डाल लो बस, मेरे से ऐसे ऐसे नहीं डलती, मेरे से ऐसे डलती कपड़े के। क्या होता है देखो ऐसे डलती है मेरे से, ये भी चलेगा चलेगा, ये भी अच्छा है, सही है ना, निशाना चुकेगा नहीं मेरा, ठीक उस पे जाएगा। तू मत चले जाना बस, उल्टी नहीं है बस। हेलो गाइस रोटी खा लो, ये देखो भुक्कड़ लोग आए हैं। देख लो भाई ये आंखों, एक ब्लॉगर को रोटी मिलते हुए भी देख, और ये लगते हैं खाना बना, ये लोग ऊपर ये आंखों से रोटी खाने के लिए आए हैं। अब आ गई कोमल की टर्न, समझ नहीं आ रहा,
ये देखो, अरे भाई इसकी रोटी मत दे देना बाहर, देखो वहां से आएंगे लोग, कौन बना रहा रोटी? कोमल यार, कोमल यार तूने बेइज्जती कर दी, कोमल तूने बेइज्जती कर दी, देख किनारे देख अपने। अच्छी तो रही है, अब तू तो बोलेगी जानबूझ के। अच्छी बनी है, सब अच्छा। सा तेरे दिल रखने के लिए कमल, देख चाची उठने वाली थी, चाची उठने वाली थी। देखा आपने कोमल की रोटी, कोमल भी पास हो चुके हैं रोटी बनाने का, ये बहुत मेहनत कर रही है ऐसी गोल रोटी बनाने के लिए। रोटी मेरा सब्जी का डिपार्टमेंट है, पप्पू पास हो गया। गाइस मैं तो मास्टर शेफ हूँ, आपको पता ही है। हाँ भाई को पप्पू पास हो गया। तो गाइस देखो यहाँ पे खाने लग गए सब लोग, खाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग की टर्न बाद में आएगी गाइस खाने की, लोग दुंगा सिस्टम। हाँ यहाँ पे दुंगा सिस्टम भी हो रहा है, यहाँ पे फ्रेश फ्रेश भी हो रहा है। बगल में मेरे, कहाँ बगल, यहाँ बैठेगी मैं कैसे दबाऊंगा, फिर उसके बाद खाना खाऊंगा। यहाँ रोटियाँ बनती जा रही है, वहाँ साफ बनती जा रही है, और देखिए लोग सब खा रहे हैं, देखिए नहीं कर रहे हैं। सबको खा रहे, हमारी टर्न आई है थोड़ी देर में, थोड़ी देर के बहुत देर भी हो सकता है, एक बजे तक। ये बड़ी अम्मा, ये छोटी अम्मा, ये बड़ी दादी, ये छोटी दादी। हमारी तरह आ गए खाने में, रोटी बना ली हमारे, खा रहे खाने। ये भी कोमल गाइस, यहाँ पे हम देख ले अपने दादा दादी की शादी की फोटो। ये दादा दादी आप पहले भी ऐसी थे, अभी भी ऐसी है शादी के, ऐसे नहीं उठाते वो दादा दादी नहीं, वो सुन उधर देख, ये हमारे बूबू है और ये हमारी अम्मा है। यंग यंग मेरी तो अम्मा है, हां हमारी यंग यंग अम्मा बूबू। मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, देखो ये हमारे दादा है, ये हमारी अम्मा है, वैसे नहीं नहीं ये मम्मी के रिश्ते से, हाँ मम्मी के रिश्ते से ये हमारी मौसी है और ये हमारे मौसा लगे, बट अगर वैसे रिश्ते से देखें दादी के रिश्ते से, हाँ तो अम्मा लोगों ने तो ये बोला है ना, तो ये हमारे दादा है। जो कुछ भी बोले हम पीछे पड़ जाते हैं, अरे बोला हम पीछे पड़ जाते हैं, हम एल्बम को ऐसे देखते हैं, ऐसे देखा बस। तो यहाँ पे हम अभी शादी की फोटोज देख रहे हैं, हम सब सारे बच्चे लोग। और हम लोग आ गए घर, और मैंने वहाँ पे भी खाना खाया था, इतना सामान मुझे फिर से भूख लगी। देखो मेरा चाय पीने का ही मन कर रहा है, लेकिन फिर रात के लिए बर्तन हो जाएंगे, बिना बर्तन धोए सोता नहीं, बर्तन हो जाएंगे तो धोने पड़ेंगे, तो मैं सोचा हूँ क्या करूँ। कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा सोने, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, हम दिन में भी नहीं सोए, कल हम लोग लेट सोए थे, नींद। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, सी यू, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।